गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अच्छे हों आप, मैं भी अच्छी हूँ। आपका दिन शुभ हो, सब कुछ अच्छा रहे। 6:58 हो गया, अब मैं उठ गई हूँ और मैं काम करूँगी। बच्चे सो रहे हैं, देख सकते हैं आप। मैं जा रही हूँ स्कूल की तैयारी करने के लिए, तो बने रहिए आज मेरे साथ। नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, अब मैं नहा ली हूँ और नहा के मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। आज मुझे बहुत लेट हो गया, आज थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो मेरे साथ बने रहें आज के ब्लॉग पे। तो देखिए ये जो फूल वाले आते हैं, ये भांग कैसा दे गए हैं, मुझे खुद से तोड़ना पड़ रहा है। और ये बेल पत्थर है और ये भांग है जिसे मैं खुद से सही कर रही हूँ, वो सही नहीं देखे गए हैं। और आज देखिए माला भी एक ही देखे गए हैं, बेल पत्थर भी थोड़ा दे गए। मैंने बोला था कि आज के दिन दो पैकेट देने के लिए, तो एक ही पैकेट दे गए हैं। चलो अब कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। चलिए आज हम अपने इनको नहला लेते हैं। देखिए आज इनको नहला रही हूँ, रोज नहलाती हूँ इनको, आज अपने YouTube फैमिली के सामने नहला रही हूँ इनको। तो देखिए, देखते रहिए, बने रहिए ब्लॉग पे। देखिए आज इनको नहला रही हूँ अपने ब्लॉग पे, इसका इनका स्वागत कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए इन्हें। और अब मैं इन्हें पोज देती हूँ नहला के, इनका काम करे बिना। ये है इनकी दूसरी वाली ड्रेस, थोड़ी बड़ी बनाई है मैंने ये, जिसमें ये अच्छे से आ जाएं। तो अब नहला दिया है इनको और इनको ड्रेस पहना दी है इनकी। और ये है इनका मोर पंख जो अब हम ऐसे लगा देंगे। और इनकी एक छोटी सी माला भी है, तो ये देखिए इनकी ये माला है हमारे लड्डू गोपाल जी की। देखिए ये नहला दिया है और ये अब ये रेडी हो गए हैं इनका मोर पंख कहाँ गया, इनको नहला दिया है, ये रेडी हो गए हैं। कमेंट में बताइएगा जरूर मेरे नटखट लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। और ये है टोकरी जिसमें मैं इन्हें बिठाती हूँ, ये मुझे वृंदावन से ही मिली थी, वैष्णो माता से आई थी, तो उस दिन से मैं ना इनको पता नहीं क्यों उसी में बिठाती हूँ। तो देखिए ये अपनी टोकरी में बैठ गए हैं, अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अब हम इनको इनकी जगह पे रख देंगे। आज सभी भगवान को मैं मुझे फूल ही चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक फूल ही दिया है आज फूल की माला मैंने, जबकि दो बोली थी। तो चलो कोई नहीं, बच्चे ने गलती कर दी तो कोई बात नहीं, और हम लक्ष्मी गणेश जी को चढ़ाएंगे माला, सॉरी फूल। ये है माता रानी जो मेरे साथ मेरे हर सुख दुख में रही हैं अब तक, और मुझे हर परेशानी से इन्होंने निकाला है। और ये है महादेव जी, ये देख सकते हैं आप, उनको मैंने बेल पत्थर चढ़ाया है। ये है माँ सरस्वती, ये विष्णु भगवान। आज फूल बहुत कम दिया है फूल वाले ने। और ये राधा कृष्ण जी, माता वैष्णो, ये हैं महाकाल जी की मूर्त। ये माता करवा चौथ ने दिया जला दिया है, और हम इसी में से मैं धूप बत्ती जला लेती हूँ। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी को मैं मिश्री का भोग लगा रही हूँ जो इनको बहुत प्रिय है। और ये हैं बाकी सारे देवी देवताओं के लिए। और हाँ, एक ये चांदी की कटोरी है फ्रेंड, जो मैंने खुशी के लिए ली थी जब वो छोटी थी, मुझे शौक था
कि मेरी बेटी चांदी की कटोरी में पहली बार खाना खाए। मैंने ये 1300 रुपये में खरीदी थी जब वो 6 महीने की थी, और मैंने इस चांदी की कटोरी से ही उसको खिलाया था। बस एक बार ही खिलाया था, उसके बाद फिर मैंने भोग मतलब भगवान को भोग लगाने के लिए इसे रख दिया था। तब से मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ इस चांदी की कटोरी में। अब देखिए हम आरती करेंगे। मैं घंटी नहीं बजा सकती फ्रेंड, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ तो घंटी कैसे बजाऊँ। तो मैं आरती कर रही हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महा। माता रानी की आरती करती हूँ मैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे नमस्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या च वर्णम तुम्ही हो गौरी मम देव देव। कर्पूर गरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम वाणी शतम। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम भूर्भुवस्सः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। ओम भूर्भुवस्सः। फ्रेंड अब मंदिर की पूजा हो गई है, अब मैं गैस की पूजा करने के लिए आई हूँ। मैं सारे घर में धूप दिखा देती हूँ फ्रेंड, देखिए पूरे घर में धूप दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड मैंने घर के मंदिर की पूजा कर ली है, अब मैं शिव जी जी के मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो आज मैं आपको मंदिर के दर्शन भी करवाऊँगी, तो मेरे साथ ब्लॉग में जुड़े रहिए। बाय बाय फ्रेंड। देखिए मैंने मंदिर ले जाने के लिए फूल, मिश्री और ये सिंदूर और ये चंदन और ये तिल का तेल है और ये दूध है जो मैं अभिषेक के लिए ले जा रही हूँ, और गंगा जल ले जाऊँगी और भी प्रसाद है वो ले जाऊँगी। तो मैं मिलती हूँ अभी आपसे मंदिर में। तो फ्रेंड देखिए मैं तैयार हो गई हूँ अब मंदिर जाने के लिए। तो फ्रेंड मैंने बाल बना लिए हैं, अब मैं सिंदूर लगा रही हूँ। देखिए मैं इसमें से हरी बिंदी लगाऊंगी। अब ये मैं अपने कानों के झुमके पहन रही हूँ। अब देखिए ये है लाल और हरी चूड़ियाँ जिसे मैं पहनूंगी। देखिए फ्रेंड कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा जरूर कमेंट में। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब हम चलेंगे मंदिर। अब मैं मंदिर के लिए तैयार हूँ बिल्कुल, अब हम मिलते हैं मंदिर में। फ्रेंड मैं इस मंदिर में आई हूँ पूजा करने। देखो आपको अंदर ले चलती हूँ। चलो 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 देखिए ये है हमारे भोलेनाथ का मंदिर। देखिए मैं यहाँ पूजा करूँगी। ये मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह का है।
आपकी फ्रेंड ही, मैं ज़्यादा यहाँ बोल नहीं सकती, इसलिए मैं चुपचाप बोल रही हूँ। चंदन है ये सिंदूर है, मिश्री का प्रसाद है, फ्रेंड मैंने पूजा कर ली है, देखिए भगवान जी की। अब मैं घर चल रही हूँ, मैंने पूजा कर ली है, अब मैं घर चल रही हूँ। तो फ्रेंड अब घर का सारा काम हो गया है, देखिए बच्चे खा रहे हैं, सागर खा रहा है और खुशी भी खा रही है, और ये एनी टाइम डंगा ही बैठा रहता है, इसको हद से ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बच्चे खा रहे हैं और मेरा तो व्रत है आपको पता ही है, तो मैं भी कुछ फल वगैरह खाऊंगी। और आप लोगों ने व्रत किया है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो फ्रेंड अब मैं घर का थोड़ा काम पड़ा है वो कर लेती हूँ, और फिर कुछ खाऊंगी। भूख तो नहीं लग रही है, मेरा व्रत होता है तो मेरा भूख मुझे नहीं लगता है। तो ये 2-3 बर्तन है, मैं सोच रही हूँ बोलूँगी, कोई मदद करने वाला नहीं है, आप तो जानते ही हो ना, मैं घर पे अकेली ही रहती हूँ, तो मैं ये बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद मैं दूध पीऊँगी, और केला मंगाया है मैंने तो वही खाऊँगी मैं। तो आप लोगों ने व्रत रखा है या आप लोग मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा, और प्लीज़ फ्रेंड मेरे ब्लॉग को देखा करें, अपना ढेर सारा प्यार मुझे दिया करें, आपसे मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। फ्रेंड थक गई हूँ, केला खा रही हूँ, आप लोग केला खा लीजिए व्रत का। YouTube फैमिली अब मैं सो के उठी हूँ और चाय बनाने जा रही हूँ। जी जिसको चाय पीना है आप भी आ जाइए, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब आप सब मेरे घर मेरे पास आओगे, जब मैं सबको देखती हूँ ना, नंदिनी, आशीष भैया, विमोल दीदी और विकास भैया सबको इकट्ठे गुल्लू के जन्मदिन पे, तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आप सबको अपने घर बुलाऊं सच में। तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ फ्रेंड। फैमिली आज ये हमारे घर में नया बर्तन आया है, वो क्या कहते हैं आटा गूंदने के लिए था नहीं तो ये मंगाया था, एक बड़ा है तो उसको मैं यूज नहीं करती हूँ, तो आज मैंने ये मंगाया था, देखते हैं। तो चाय बन गई है हमारी, देख सकते हैं आप, चीनी पड़ रहा है। फ्रेंड देखिए मैंने सब्जी मंगाया है, अभी सब्जी कुछ था नहीं घर में, देखिए मैंने आलू मंगाया है, और ये है अरबी, ये देख सकते हैं आप अरबी है, और ये टमाटर मंगाया है, ये तोरी मंगाया है फ्रेंड, और ये क्या है, और ये देखिए नींबू है। ये आज मेरा व्रत है ना तो चटनी बनाऊंगी मैं, और देखिए ये रिफाइंड है जैमनी का, और ये कूटू का आटा है व्रत वाला, मैं इसी का पकौड़ी बनाऊंगी। और अरे भैया, और देखिए फ्रेंड ये है धनिया, धनिया मिर्ची, देखिए फ्रेंड देखिए मेरा चाय बन गया। व्रत रखा है ना तो सिर में दर्द हो रहा है मुझे, कुछ अभी अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं व्रत का खाना बनाने जा रही हूँ, और आप लोगों से मिलती हूँ व्रत का खाना बनाने के बाद, कि मैं सारी सब्जियाँ धो के फिर रखती हूँ। आज चलिए सारी सब्जियों को धो लेते हैं, बाजार से आई हुई सब्जी वैसे भी घर में ऐसे नहीं रखनी चाहिए, साफ सुथरा करके ही रखनी चाहिए। तो मैं सारी सब्जियों को देखिए धो लेती हूँ, देखिए सारी सब्जियाँ मैंने धो ली हैं, देख सकते हो आप। सब्जियों को धो लिया है मैंने, ये है हरा धनिया, ये है टमाटर,
जब बनाऊंगी उस समय भी धोऊंगी, इस समय धो के रख लेती हूँ। और देखिए यह है नींबू और यह है हरी मिर्च। ये देखिए हरी मिर्च है और धो लिया है मैंने सबको। और ये बनाना है, सभी धो लेती हूँ मैं। देखिए हमारी सब्जियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, है ना, धुल के साफ भी हो गई है ना। फ्रेंड आप भी अपने घर में सब्जी लाइए तो सारी सब्जी पहले धो के तभी रखिए। देखिए फ्रेंड हमारी सब्जियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, धो के एकदम फ्रेश फ्रेश लग रही हैं, है ना फ्रेंड। आप भी सब्जी धो के रखिए जब भी बाहर से लेके आइए। मेरा व्रत है ना तो मैंने आलू धो लिए हैं, अब मैं इस आलू को उबालूंगी। हम यूपी में रहते हैं ना तो लोग यहाँ सूखे आलू और दही और धनिया पत्ता और हरे मिर्च की चटनी और कूटू की पकौड़ी बनाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ व्रत का खाना कैसे बनाते हैं। पानी डाल रहे हैं देखिए फ्रेंड, अब इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। तो फ्रेंड अब मैं आलू उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ और देखिए मेरा चाय बन गया है। आइए आप लोग भी, आइए आप सब भी पी लीजिए मेरे साथ चाय। तो अब हम आलू उबलने देते हैं, तब तक हम दूसरा काम करते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारा आलू उबल चुका है व्रत वाला, अब हम इसको ठंडा करेंगे, कमरे में डालेंगे पंखे के नीचे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको छीलेंगे। और देखिए इधर ये है व्रत का चटनी, देख लीजिए। इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, सेंधा नमक और थोड़ा जीरा डाला है। और ये हमारा व्रत का चटनी है। तो फ्रेंड ये दही है जो हम आलू में खाएंगे, दही आलू चटनी। इसको मैं हल्का सा ना मैश करूंगी, हल्का सा मैश कर लिया है दही को, है ना। और मैश करने के बाद हम थोड़ा सा मुझे निकालना है ये दही जमाने के लिए। तो देखिए हमने दही मैश कर लिया है, ये दही हमने बनाया है, दही बनाया है हमने उसके साथ खाने के लिए आलू के साथ। तो बने रहिए ब्लॉग पे। तो देखिए फ्रेंड ये सूखे आलू बना रही हूँ, बता के मैं आपको कि सूखे आलू कैसे बनते हैं, है ना फ्रेंड, व्रत वाले आलू। तो फ्रेंड देखिए हमने जीरा और हरी मिर्च को डाल के भून लिया है। और ये देखिए ये है सेंधा नमक जो हम इसमें मिला देंगे, व्रत वाला नमक है ये, हमने मिला दिया इसमें, हमने इसमें नमक मिला लिया है कुछ इस तरह से। फ्रेंड ये है आलू, मैंने नमक डाल लिया है व्रत वाला। देखिए फ्रेंड ये हमारे व्रत वाले आलू बन गए हैं, जीरा और हरी मिर्च डाल के, कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ के लोग व्रत में यही खाते हैं तो इसलिए मैं भी अब यही खाती हूँ। YouTube फैमिली 7 बज गए हैं और अब मैं शाम की पूजा करने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मैं व्रत खोलूँगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दया। तो दोस्तों मैंने पूजा कर ली है, अब मैं व्रत का खाना बनाने जा रही हूँ, कुछ बन गया है कुछ बाकी है, तो मिलती हूँ आपसे। ये है फ्रेंड कूटू का आटा देखिए, और ये है आलू, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है कटी हरी मिर्च। अब हम इसका कचौड़ी बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो फ्रेंड ज़्यादा नहीं, सब कुछ में नमक पड़ा है तो इतना हम नमक डालेंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड अब हमने ये आटा मल लिया है,
कचौड़ी का टाइट टाइट। यह है व्रत का आटा और इसमें आलू और उबला हुआ हरी मिर्च सब डाल के हम इसकी कचौड़ी बनाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग पे मेरे साथ। ये फ्रेंड, ये आटा कुछ इस तरह का हुआ है, मल के इसको टाइट टाइट मलना होता है। इसको तुरंत उसी समय बनाइए जिस समय आपको इसको तलना है, उसके पहले मत बना के रखिए वरना ये बेकार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, अब हम कूटू की आटे की कचौड़ी मैंने बेल ली है इस तरह की।